नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में और कल का पेपर भी बहुत जबरदस्त था आज के पेपर में थोड़ा सा अपडेट यह है कि जैसे गद्यांश और पद्यांश आपके पेपर में आते हैं तो उसको लेकर भी थोड़ा संशय रहता है कि भाई सर गद्यांश और पद्यांश कैसे आएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो उस टाइप के क्वेश्चन भी लाए दूसरा राजस्थान जी के मेरा एक ही टारगेट रहता है और मैं उसी पे चलता हूं और वो टारगेट सीधा सीधा यही है कि आपको जो बेसिक जितना भी है बेसिक प्लस करंट जी जितना भी है उसकी बेहतरीन तैयारी करवा दें ताकि कम से कम भाई टफ क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए टफ होगा लेकिन सरल क्वेश्चन अगर आए और आप गलत करके आओ तो सिलेक्शन से कहीं बाहर जाने आ, मतलब जाने की नौबत आ जाती है तो हम सिलेक्शन से बाहर नहीं निकले इसलिए आज के क्वेश्चन भी जो है वो मिलान वाले क्वेश्चन है राजस्थान जीके के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अब धीरे धीरे समय ऐसा आ रहा है जैसा चौबीस नंबर पेपर आपके सामने आज अब आगे जैसे दो पेपर तो और तैयार है, है कल फिर उसके बाद जो पांच सात दस पेपर आएंगे वो सारे पेपर हिंदी के ही होंगे जीके बस दो पेपर में और करवाऊंगा ठीक है ना जीके सिर्फ दो पेपर और करवाऊंगा जीके के बहुत आ, काफी मैंने करवा दिए पंद्रह सोलह टेस्ट पंद्रह से स्टार्ट हुए थे पंद्रह से लेकर पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस तो लगभग दस बारह पेपर मैंने जीके करवा दिए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो ठीक है तो हम माँ सरस्वती का नाम लेकर वंदे वाणी विनायक को आज स्टार्ट करते हैं चलिए देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है रेड का मतलब खतरा नहीं होता हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं

तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये मैंने कल भी बताया था ये कठिन पेपर की निशानी होती है सबसे कठिन प्रश्न ये है होते हैं तुर्रम खान तुर्रम खान भी यहाँ गलती कर सकता है यह अठारह सत्तानवे से उन्नीस सौ इकतालीस तक चला था उन्नीस सौ सोलह में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रताप से यह आंदोलन चर्चित हुआ 1941 में पथिक व मोहन सिंह मेहता के बीच समझौता से यह आंदोलन समाप्त हुआ तो आप विशेष रूप से जानते हैं कि जब आंदोलन समाप्त हुआ था 1920 तक तो लगभग जा चुके थे शायद है ना रामनारायण चौधरी थे उस वक्त तो यहां ये चौथा तो गलत ही हो गया तो यानी ए और ये दो तो गलत हो जाएंगे लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अखबार क्या ये लखनऊ से प्रकाशित होता था क्या पहले तो ये देख लो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप था बस यही आपको उत्तर मिल जाएगा और जब आप उत्तर ढूंढोगे तो आपको बिल्कुल उत्तर सही एकदम सही एग्जैक्ट उत्तर मिलेगा क्या उत्तर मिलेगा एक दो या एक दो तीन बस यही इतना सही खेल है सारा का सारा और आप देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो यानी ये दो कथन जो है वो गलत है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सुम्मिलित कीजिए जगरोती ढाटी नागरचाल धावड़ी तो ये क्या है ये बोलियां हैं इनको सुमेलित करना है और मैं जानता हूं आपको सुमेलित करना जो है वो बेहतरीन तरीके से आता है देखते हैं अब तक तो लोगों ने कर भी दिया होगा तो देखिए जगरोती कहां है करौली में है ढाटी कहां है बाड़मेर में है ढाटी एक डाटी है नागरचाल कहां है टोंक और धावड़ी उदयपुर तो ये क्या हो गया दस बस ब सालिम शाह की हवेली केसर सिंह बारट हवेली ठाकुर की हवेली टिबड़े वाला की हवेलियां आप जानते हैं एक आधा प्रश्न आएगा ही आएगा चार चार प्रश्न क्लियर हो रहे हैं सालिम की हवेली जैसलमेर बस ए में चार अब ढूंढ लो ए में चारों में ए में 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 चार चार लीजिए साहब चारों आ गया तब आपके मन में आता है अरे तो गंदो आदमी है पेपर बनाने है ना चारों में चार दे दियो कंफ्यूज कर दियो ना आगे अब चलो आगे केसर सिंह बार्ट की पकड़ लो यही उत्तर मिल जाएगा केसर सिंह बार्ट तीन अब देखो तीन किस्में तो तीन सिर्फ इसमें है फिर उत्तर मिल गया ठाकुर की हवेली दो और टिबड़े वाला की, तो क्या हो जाएगा? चार, तीन, दो एक संघ राजपूताना मध्य भारत सभा मारवाड़ हितकारिणी सभा और संप सभा इन चारों को सम्मिलित कीजिए सुरजी भगत गोविंद गुरु व्यास जमनालाल बजाज विजय पथिक ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आने नहीं बल्कि 101 एक, एक परसेंट आने चाहिए तभी जाकर जो है वो कहीं ना कहीं आपके क्लियर होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से मिलान करो देखें बढ़िया तरीके से बिल्कुल फटाफट बताइए सही उत्तर तो राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक राजपुताना मध्य भारत सभा ये हो जाएगी जमनालाल बजाज मारवाड़ हितकारिणी सभा और संपसभा बात अगर करें कि इनकी स्थापना कब हुई थी तो आप देखेंगे इन, इसकी स्थापना 1919 है कि नहीं यह है यह अठारह सो छियासी मारवाड़ हितकारी सभा 1923 है क्या यह थोड़ा सा डाउट है मेरे ठीक है और यह भी कहा जाता है दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय किसी मारवाड़ पुस्तकालय के अंदर हुई थी अठारह उन्नीस में बाकी इसका सन जो है वो उन्नीस अठारह उन्नीस ही माना जाता है ठीक है उन्नीस उन्नीस तेईस और तेईस तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा चार तीन दो एक आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू पॉटरी ब्लैक पॉटरी कागजी मथेरण इनका मिलान कीजिए तो बहुत ही सरल तरीके से आप मिलान कर पाओगे मिलान आपने अब तक तो कर दिया होगा क्योंकि आपको ये ये पता है सबको और ये कहाँ है जयपुर में यही आपको उत्तर मिल जाएगा ब्लैक पोल्ट्री कोटा में कागजी बीकानेर में मथेरन अलवर में अब आप कहोगे सर फिर आपने क्वेश्चन क्यों बनाया जब आप सामने सामने रख दिए मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है मेरा उद्देश्य आपको जो है डिमोरलाइज करना नहीं है बल्कि ये है कि आपको ये चीज पता है कि नहीं है आपकी प्रैक्टिस करवाना है यहां फाइनल पेपर नहीं चल रहा बल्कि प्रैक्टिस चल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कुंभलगढ़ के को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की मांग की गई है क्या यह वास्तव में मांग है देखो ये भी आजकल एक पेपर का पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न से भी क्वेश्चन आते हैं कि कुंभलगढ़ को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की मांग की गई है और वर्तमान में राजस्थान में चार बाघ रिजर्व हैं रणथम्बोर सरिस्का मुकंदरा तथा रामगढ़ बताओ तो ये कह रहा है इसमें से कौन से कथन सही है तो ये दोनों बातें सही है या कोई एक सही है तो बिल्कुल इसमें नहीं नहीं केवल दो नहीं दोनों बातें सही है दोनों ही बातें सही है अब देखिए फिर सुमेलित कीजिए चित्रकारों को सुमेलित कीजिए आपने जगह जगह क्लासेस देखी होगी लेकिन क्वेश्चंस जो हैं पेपर के पैटर्न के अनुसार हैं और ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस पूरी ये जो सीरीज चली है इसमें से आपको मिलेंगे नुरुद्दीन साहिबा गुलाम अली और रुकनुद्दीन ये जो हैं सारे इनमें आपको सेट करने हैं कौन सा चित्रकार जो है वो किस शैली से संबंधित है बताओ देखिए किस शैली से संबंधित है बताओ बताओ जल्दी बताओ देखो जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको टाइम लेना हो ना तो कई कुछ प्रश्नों में टाइम लिया करो कुछ प्रश्न हिंदी में जैसे आते हैं तो जैसे कल हमने कितने स्पीड से किए थे वैसे हम स्पीड से भी करना जानते हैं तो वो चीज है टाइम लेना हो तो।, तो देखो यहां पर आप जब टाइम लोगे तो ये आ आ, नहीं नहीं ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये चित्रकार तो बहुत बढ़िया चीज है आ, इसमें नूरुद्दीन होगा जयपुर कहा होगा जयपुर बात करते हैं साहिबा की तो साहिबा अजमेर की है बात करते हैं गुलाम अली की तो गुलाम अली अलवर का है कहाँ है अलवर का बात करते हैं रुकुन की रुकुनुद्दीन कहां से है बीकानेर में यानी मेवाड़ चित्रकला शैली का कोई भी नहीं है तो इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन आर टी डी सी की स्थापना पेइंग गेस्ट योजना आर एस आर टी सी पर्यटन को उद्योग का दर्जा चार चीजें आपके सामने हैं चार जीके के क्वेश्चन तैयार हैं आपको तो बस सही उत्तर देना है तो बात करते हैं आरटीडीसी की स्थापना यह हुई थी 79 में मैंने आपको यह पहले भी बताया था एक दिन प्रश्न तब मैंने कहा था कुछ लोग कुछ जगह अठहत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा लेकिन आप 79 मानना ठीक है उसके बाद बात करते हैं पेइंग गेस्ट योजना तो पेइंग गेस्ट योजना जो है नाइनटीन वन की है उन्नीस की है बात करते हैं आर एस आर टी सी यह है उन्नीस की और फिर पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था उन्नीस में मानते हो कि नहीं प्रश्न अच्छा है कि नहीं बस यही से आपका त, आपकी तैयारी का पता लग जाता है तो इसमें क्या हो गया इसमें दो ए में हो गया दो ठीक है बी में हो गया एक सी में हो गया पांच यानी उत्तर हो जाएगा ये ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सती फिर चार क्वेश्चन लीजिए फिर चार क्वेश्चन लीजिए है ना मतलब आजकल मैंने लाइक शेयर का कहना छोड़ दिया है क्यों छोड़ दिया पता है क्योंकि आजकल एक दिमाग में चीज आ गई कि कि मेहनत इस कदर करनी है कि कहने की जरूरत नहीं पड़े बस आप कहोगे सर कह कह तो दियो थे, कह दियो थे इनडायरेक्टली लेकिन आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं टॉपिक पूरा कवर होते हुए चलता है नहीं चलता है क्या तो सती प्रथा का अंत कन्यावध का अंत डाकण प्रथा का अंत मानव व्या, मानव व्यापार पर रोग ये चारों जो है इनका आप मिलान कीजिए तो आप मिलान करोगे तो देखो सती प्रथा कांत जो है वो चार सती प्रथा अठारह कन्यावत जो है वो है अठारह डाकन प्रथा जो है वो है अठारह में ठीक है और मानव व्यापार पर रोक लगी थी अठारह में उत्तर क्या हो जाएगा चार तीन एक दो तो चार यहां एक दो तीन है यहां तीन दो एक है देखिए ये ऑप्शन जो है ना बहुत जोरदार दिए हैं तीसरा, दूसरा चौथा क्यों इसमें चार, तो चार, चार दो तीन अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट चीज आ चुकी होगी अजरक प्रिंट कहा दिमाग में आ चुकी होगी चित्तौड़गढ़ बी में एक ढूंढ लीजिए ये मिल गया बी में एक और डी में जो है वो दो ढूंढ लीजिए तो बी में एक और डी में दो ये रहा यहीं से आपको उत्तर मिल जाता है बी में क्या है एक है और डी में क्या है दो है लेकिन हम फिर भी आगे देख लेते हैं कि किस में क्या है हाँ तो बताओ देखें नहीं 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 ये मैं गलत बता रहा हूं क्या गलत बता रहा हूं क्या यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा देखो ये अगर चित्तौड़ रहे ठीक है ये तो बाढ़ में रहे इसको तो कोई गलत भी कर भी नहीं सकता और दाबू प्रिंट जो है वो अकोला ये भी तो कहीं चित्तौड़गढ़ में आता है मतलब कुल मिला के यहां कंफ्यूज करने का प्रयास है ठीक है और जो सी है इसमें रहेगा रेवड़ी एक रेवाड़ी है हाँ कुल मिला के ये उत्तर होगा इसका अब देख लीजिए एकदम से दाबू प्रिंट अपने दिमाग में चित्तौड़ आता है लेकिन यहां पर अकोला देकर कंफ्यूज कर दिया गया अब देख लीजिए शायद सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अलाई मस्जिद अब्दुल्ला पीर की दरगाह दीवान शाह पीर की दरगाह सूफी तारकिन की दरगाह तारकिन सन्यासियों का सुल्तान ठीक है बताओ देखें ग्यारह नंबर क्वेश्चन में उत्तर बताएं फटाफट देखिए इसका उत्तर क्या अलाई म... आपको अलाई मस्जिद या फिर सूफी तारकिन की दरगाह इनमें से आपको पता होगा अगर तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आपको पता होगा देखिए यह है जालोर में कहां है जालोर में और ये फड़ोदी में अब्दुल्ला पीर की दरगाह बात करते हैं पीर की शाह चित्तौड़ में है और जो सूफी तारकिन है वो नागौर में है क्यों ये सूफी तारकिन कौन हमीमुद्दीन हमीमुद्दीन नागौरी है आपको अगर पता चल गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है नहीं तो नहीं चला होगा ये इसका उत्तर निकल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फिर सुमेलित कीजिए कटकी रसाई डेपाड़ा क्वेश्चन तो है का मिलान, मिलान वालों से पेपर बहुत बढ़िया क्लियर होता है तो कटकी क्या है ये तो आपने चलो बाकी नहीं पढ़ा होगा कटकी और डेपाड़ा तो पढ़ा होगा डेपाड़ा और कटकी गारंटेड बोल रहा हूं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बताओ देखें तो आप देखो इसमें कटकी जो है वो आदिवासियों आदिवासी जो अविवाहित युवतियां हैं उनकी वेशभूषा है और जो अपने रसाई हैं ये क्या है आदिवासी विवाहित युवतियों की वेशभूषा है बात करते हैं डेपाड़ा की तो डेपाड़ा भीलों की तंग धोती को क्या कहते हैं डेपाड़ा कहते हैं और फिर है डी चक्का सवेरा काल वेलिया स्त्रियों की ओढ़नी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दो तीन एक पांच तो दो तीन एक ये पांच जो है ए है ये राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजामंडल और स्थापना बीकानेर जयपुर डूंगरपुर ये लीजिए साहब इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर हमारा प्रजामंडल भी पढ़ा हुआ है कि नहीं है भाई बेसिक चीज तुरंत याद आ जाती है इसका मतलब आपको कुछ टफ चीजें भी याद है उस टॉपिक के अंदर से तो बीकानेर छत्तीस का है जयपुर इकतीस का है डूंगरपुर चौवालीस का है अड़तीस का है बताओ देखें पहले तो आप ही बताओगे बाद में मैं बता दूंगा बताओ देखें कौन सा है बताओ बताओ जल्दी बताओ तो बीकानेर तो मैंने बोल दिया छत्तीस का है और जयपुर जो है वो इकतीस का है ये यहाँ तक तो सर हमें भी याद था इसमें खास क्या है ये चौबालीस है डूंगरपुर और शाहपुरा जो है वो अड़तीस है ये इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए प्राचीन सभ्यता और स्थान लीजिए फिर से मिलान कीजिए आनंद आ जाना चाहिए जोधपुरा सुनारी बालाथल नगरी बताओ देखें अब बाकी कोई याद ना आए आपको खैर ये तो सिंपल सी आपको पता है चलो देखते हैं इस, क्या ये सही है क्या क्या बालाथल उदयपुर सही है क्या क्या नगरी चित्तौड़ सही है क्या क्या जोधपुर जयपुर सही है क्या तो आप देख लो मिलान कर लो चार एक दो तीन कहा दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे गया साहब ये रहा चार एक दो तीन कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कितना भी टफ अचे पहले यहां गौर मत करना पहले खुद दिमाग लगाना कि इसको मैं मिलान करता हूं चारों आपने जो मिलान किया वो यहां आपको ऑप्शन मिल जाए तो उसी पे लॉक कर देना कंफ्यूज मत होना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखे कि जगती जो, जागती जोत ये एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार हम पढ़ते आए फिर भी जो है हम गलती कर देते हैं जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी हिंदी ग्रंथ अकादमी या ललित कला अकादमी तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं अकादमी बीकानेर क्लियर है चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखो नसीराबाद में जो विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी नसीराबाद में जो विद्रोह करने वाली बटालियन थी वो कौन सी थी पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी बॉम्बे लॉन्सर थी तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी या फिर मेरवाड़ा बटालियन थी इनमें से कौन सी वो बटालियन थी तो आप नसीराबाद का तो विद्रोह ही पढ़ते हैं ठीक है ना विद्रोह क्रम से जरूर याद कर लेना विद्रोह पढ़ते हैं तो नहीं 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 तीसवीं थोड़ी थी अब ये इसी तरह गलतियां होती है आप सोचते हो गुरु जी गर्द बता दियो ये इसी तरह होती है बात करते करते राइट कहीं और लग जाता है ठीक है बता देता हूं पंद्रहवीं नेटिव थी कौन सी थी पंद्रहवीं नेटिव इन्फेंट्री थी समझ आ गई आइए देखिए सत्रह नंबर क्वेश्चन सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन अफसरों की हत्या पंद्रह अक्टूबर अठारह को कोटा विद्रोही राज की सेना ने की थी मॉरिसन सैडलर बर्टन सॉवर्स तो आप जानते हैं इन इसका संबंध मेवाड़ से था और इसका संबंध जोधपुर मारवाड़ से था थाग नहीं था ये दोनों थे तो दो और तीन पता होना चाहिए आज के प्रश्नों के बारे में अगर कोई ये बोल दे कि सर पेपर जोरदार नहीं था तो मैं कल से यू मान लो कि YouTube पे आना छोड़ दूंगा इतने जबरदस्त प्रश्न है वास्तव में बहुत जबरदस्त है और आज तो शेर बनता है आज तो शेर बनता है घूगरी केवड़ा आदि लोकगीत जो है अब कम से कम पता तो चला कि एड़ा भी लोकगीत हुआ है घूगरी केवड़ा अपन तो सुनो ही क्यों नहीं तो बताओ घूगरी केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ देखें तो आप देखेंगे इसका उत्तर आपने दे दिया होगा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है मरुस्थलीय क्षेत्र फिर ये लोग नृत्य और जाति को नृत्य को जाति से कर, तुलना करनी है तो आप देखेंगे राई नांद तेरेताली तो राई तो धन ध्यान भीलवाड़ा री है, है कौन ही और नांदड़ जी का गराशिया है ठीक है, है और चरी जी को है गुजरा रो है और तेरे ताली जो है कामड़ जाति के भोपाल द्वारा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी क्या उत्तर हो जाएगा इसका इसका उत्तर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए करौली अजमेर जोधपुर अब इनको पूर्व पश्चिम आप जानते हैं पूर्व पश्चिम किस प्रकार हो जाएगा ये पूर्व है और ये पश्चिम है अब राजस्थान का जो नक्शा है वो आप उस हिसाब से आप मैच करके देख लीजिए कि पूर्व से पश्चिम जब करेंगे तो इसका क्रम क्या रहेगा बहुत बढ़िया प्रश्न है तो देखिए यहां पे आप पता है सबसे पहले सबसे पहले जो है आप देखो एग्जे, मत जाना कि गुरुजी करो सबसे पहले करोली है करोली के आसपास आपको पता है सवाई माधोपुर है ठीक है ना सवाईमाधोपुर है जयपुर से निकलने के बाद माधोपुर से होकर जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या आएगा यहाँ अजमेर अजमेर आएगा और फिर यहां पर क्या आ जाएगा जोधपुर यहीं आएगा ना एग्जैक्ट आप समझ गए होंगे एक चार दो तीन अब मैं कोई ज्योग्राफी का टीचर तो हूं नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट चलू ठीक है बाकी दिमाग में चालना चाहिए इंग्लैंड की महारानी मेरी दिसंबर मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था आप सभी जानते हैं लेकिन ये जो जनाना घाट का निर्माण किया गया था ये किया कहा गया था किस झील के किनारे किया गया था ये बताने का कष्ट करें नक्की झील अन्ना सागर झील पुष्कर सरोवर पुष्कर पिछोला या फिर कहां पर किया गया था बताओ देखें बताओ देखें तो इसका उत्तर होगा पुष्कर इसका क्या उत्तर होगा पुष्कर जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी अठारह भुजाएं हैं अठारह भुजाओं वाली देवी कौन सी कही जाती है आपने एकदम सही उत्तर दिया होगा और वो नागणे ची माता कौन है नागणे माता ऐसे ही है कि इन मेलों को ये लीजिए तिथियां ये लीजिए तिथियां जो है आपके सामने तेईस नंबर क्वेश्चन जो है तिथियों का क्वेश्चन है और आपके सामने है देखिए बताओ बताओ जल्दी बताओ और साथ में आज आपके ये जो दिक्कत आती है अगर आप चाहते हैं तो ये दिक्कत अभी सॉल्व कर देते हैं ताकि आ, त्यौहारों की वाली दिक्कत जो है ना वो क्लियर हो जाए ठीक है तो सबसे पहले बताइए इनको सेट कीजिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे जो है वो सॉल्व करें तो देवनारायण मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को रामदेव जी मेला जो है वो लगता है भाद्र शुक्ल नहीं नहीं, नहीं 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 ये तो गड़बड़ जाएगी बताओ देखें पहले आप ही बताओ क्योंकि अभी मैं गलती कर देता और गलती होने के बाद फिर एक बार हो जाती तो फिर हो ही जाती ये वास्तव में कंफ्यूजन वाला है और अभी भी सीधा जैसे बी में एक आप कर सकते हो क्या भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है क्या या नहीं लगता है तो बी में आपके दिमाग में क्या आएगा दसवीं या फिर द्वितीय बस आप बी में ये देखो एक और चार कहा है तो बी में एक भी है यहां चार भी है अब आप किस और जाओगे तो बाबेरी दूध क्या हुआ लेकिन मेड़ो कद लगा छुट्टी कद हुआ है ये चीजें मायने रखती है समझ गया अब बात कहते हैं चुक के और वही चूकते ही सारी गड़बड़ हो जाती है और आप जानते चलिए हम बात करते हैं तो देख लिया आपने मिलान कर लिया बात करते हैं देखिए रामदेव जी का जो मेला है रामदेव जी का जो मेला है चलो पहले तो ये मिलान करते हैं भाद्र शुक्ल नवमी को तो लगता है वीर फत्ता जी का सी में दो तो सी में दो ये पड़ा और उसके बाद तेजा जी तो तेजाजी को लगता है फोर डी फोर ठीक है रामदेव जी का हम करेंगे भाद्र शुक्ल द्वितीय और देवनारायण जी का जो लग जाएगा भाद्र शुक्ल भा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तो यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा बी में एक ठीक है ओके अब सही है अब आप कहोगे सर आप इतना कंफ्यूज क्यों हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना होना अलग चीज है और आप देखिए प्रश्न को चेक कर लेना चाहिए गलती कहीं नहीं होती है अब आप देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है तो अब आप इनको कैसे याद करोगे सर हमें तो याद ही नहीं आता कजली तीज वगैरह तो देखो आप सबसे पहले ध्यान रखना सावणी तीज जो होती है क्या होती है सावणी तीज सावणी तीज यानी सासु सावणी तीज यानी सासु मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखता हूं आज या तो मतलब आपकी बहुत बढ़िया चीज क्लियर हो जाएगी हाँ देखिए आप लोग जो श्रावण में आती है सावणी तीज सावणी तीज आपने सुन रखा होगा इसे ही क्या बोलते हैं छोटी तीज बोलते हैं क्या बोलते हैं छोटी तीज तो थाने कहीं याद रखना है सासु कहीं याद रखना है सासु इरो मतलब कहीं हो रो इरो मतलब हुई श्रावण शुक्ला कहीं मतलब हुई शुक्ल पक्ष सावन शुक्ल तो छोटी तीज नहीं छोटी तीज क्या है और श्रावणी तीज छोटी तीज की है वह है सासू रो मतलब अब आगे लिखने जरूरत तो कौन तीज क्यों तीज तो तीज नहीं आसी तो श्रावण शुक्ल तृतीय हो गई बात करते हैं अब बात आई आ किसी आई बड़ी तीज क्या बोलते हैं इसे बड़ी तीज इसे क्या बोलते हैं कजड़ी तीज क्या बोलते हैं इसे कजड़ी तीज बड़ी तीज बोलते हैं कजली तीज बोलते हैं या फिर इसे एक तीज और नाम से जाना जाता है सातुड़ी तीज का ही हुआ है सातुड़ी तीज अब इन्हें याद करने और तरीको का ही है बताओ देखें इन्हें याद करने और तरीको बहुत ही बढ़िया है आप याद कर लो बी के आप इसको याद कर सकते हो बाकी मैं हमारे यहां के जो ट्रिक है वो आपको बता देता हूं ठीक है उससे सही रहेगा एक साथ कई चीज हो जाएगी अरे आजा भाई आजा ये ले हां तो ये है दोस्तों क्या है बीके स्कूल हमारे बीकानेर में एक बीके स्कूल है सभी जानते हैं ये ट्रिक हमारे गुरु की है मैं क्लियर बता दूं देखो ये हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी ने हमें ये जो दी थी आज वो ट्रिक्स आप लोगों के काम आ रही है ये बहुत बढ़िया चीज है तो आप देखिए बीके स्कूल क्या ट्रिक है बीके स्कूल अब देखो ये है बी का मतलब क्या हुआ भाद्रपद और के का मतलब क्या हुआ कृष्ण लिख लेना भाई लिखना चाहो तो और ज्यादा होशियार हो तो मत लिखना पहले से आती हो तो क्लियर है भाद्रपद कृष्णा और तीज तो कब आएगी तीज में अब सोचने वाली बात आपको बताता हूं देखो ये जो बीके स्कूल है क्या है बी स्कूल इसमें आपको पता चल गया फॉर कृष्णा अब इसमें जो तृतीय होती है तब तो क्या आती है तीज भाई तिथि क्या है तीज इसके अलावा इसी महीने में अष्टमी अष्टमी आती है मतलब खुशी अष्टमी आवे जन्माष्टमी जन्माष्टमी अष्टमी को देखना बीके स्कूल समझ गया अष्टमी उसी इसी महीने में जो आप बक्ष बारस जो कि बारस आवे दिन बक्ष बारस भी महीने में आवे बीके स्कूल में तीन त्यौहार आ चुके हैं बक्ष बारस ठीक है इसी महीने में गोगा नवमी गोगा नवमी यानी तृतीया अष्टमी तृतीया किसी तीज अष्टमी किसी जन्माष्टमी बारस किसी बक्ष बारस और नवमी किसी गोगा नवमी बात समझ आ गई तो सब ऐसा चार चीज है ए आवे भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आ श्रावणी तीज रही है सासु मतलब छोटी तीज ठीक है बीके स्कूल तृतीया अष्टमी बच्च बारस और गोगा नवमी तृतीया बीके स्कूल याद रखो भाद्रपद कृष्ण तृतीया मतलब तीज और अष्टमी मतलब जन्माष्टमी बक्ष बारस ठीक है और गोगा नवमी तो बारस एचार तिथिया होगी याद रख ली आगे चलो और बता दू चीजा तो इनमें पहले तो इन उत्तर दे लो कजली तीज या सातुड़ी तीज किसे कहा जाता है तो वही सेम भाद्रपद की अष्टमी तो जन्माष्टमी हुआ ध्यान था तृतीया मतलब क्या होता है बॉस का मतलब सबका बॉस कौन आप ही याद रखो सबका बॉस है जो है यानी बॉस यानी भाद्रपद ठीक है भादवे रो जिगो शुक्ल शुक्ल और चतुर्थी आप इतनी देर तो पढ़ो किसो पढ़ो कृष्ण पक्ष पढ़ बॉस का मतलब शुक्ल हो गया क्या हो गया शुक्ल यानी भाद्रपद का शुक्ल जो होता है उसमें जब चतुर्थी आती है तो उस दिन आते हैं गणेश जी क्या आते हैं गणेश जी यानी गणेश चतुर्थी कब आती है बॉस गणेश जी सबके बॉस हैं यानी भाद्रपद शुक्ल जो है वो गणेश जी क्या है गणेश जी अब एक बॉस और भी है बोला गुरु जी एक बॉस और भी है हाँ एक बॉस और भी है एक बॉस है राधा राधा कृष्ण जी की भी बॉस थी और राधाष्टमी आपसे पूछ लिया जाए क्या पूछ लिया जाए राधाष्टमी तो ये ध्यान रखना इसी बा से भाद्रपद स से शुक्ल और चतुर्थी को तो आते हैं गणेश जी और अष्टमी को आते हैं राधा जी तो राधाष्टमी कब आती है वो भी भाद्रपद शुक्ल में और गणेश जी कब आते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ में ये तो हो गए दो चीज में अब फिर बात करते हैं दुर्गाष्टमी तो दुर्गाष्टमी आप जानते हैं दुर्गाष्टमी दुर्गाष्टमी जो है वो कब आती है? आस, है आसोज में ठीक है आसोज आठम 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 और किसी किसी शुक्ल किसी, शुक्ल पक्ष यानी चांदनी तो आ तो चीज सबने ठा है मैं कोई विशेष को नहीं आस ठीक है लेकिन इसको याद कैसे करें सर तो इसको याद यूं कर सकते हैं आशीष माता जी आती है और हमें क्या देती है आशीष देती है मतलब ये आसोज में आती है और सशुक्ल पक्ष में आती है बस तो ये मिल गया दुर्गाष्टमी का ठीक है उसके बाद देखो आपको पता है कल क्या है कल क्या है तो गुरुजी कल तो महाशिवरात्रि है क्या है कल महाशिवरात्रि है अब महाशिवरात्रि को कैसे याद रखोगे आप बताओ महाशिवरात्रि को याद करने का तरीका क्या करोगे याद आया कुछ पहले से अगर मैंने बता रखा है पाका महाशिवरात्रि को याद करोगे तो कैसे याद करोगे फाका अगर सर इसका फाका का सेट नहीं बैठा सेट जरूर बैठेगा से मतलब ये होता है कि मतलब क्या होता है फाका फाका यानी फागण है और हो क्यों कृष्ण फागण और कृष्ण अच्छा अब बात आई कि फागन कृष्ण तो ठीक है समझ आ गयो। लेकिन तिथि किसी है तो आवेद तेरस फाका मतलब फागन कृष्ण री

आ चीज क्लियर बता गुरु ने हमेशा कहीं कहवा अषाढ़ पूर्णिमा समझ गए भी? तो आ कई चीज हुआ गुरु पूर्णिमा अब बात करें आप आखा तीज आवे कहीं आवे आखा तीज आ तीज रहा कहीं बात जाए विशिल सीटिया ही सीटिया मारे लोग हमारे बीकानेर में पतंगा बहुत उड़ावे तो आ तीज विशिल मारे यानी आवे वैसाख में विशिल मारे मतलब सीटी मारे आखा तीज का दवे है वैसाख में आवे वै। तो गुरु जी वैसाख में सी ओ, समझ कौन आए बैठे हो तो मतलब और नाम कहीं है, तीज तो आ होगी तृतीया वैसाख शुक्ल री तृतीय आखा तीज का दाई वैसाख शुक्ल री तृतीया अब बात करा गणगोर री जन गणगोर जव है गणगोर जो जन चुस्ती आ है कहीं आवे लड़कियां में जो के की चुस्ती आ जाए चुस्ती चुस्ती चेत्र ठीक है और स यानी शुक्ल और त यानी तीज ऐलो सा आगे चुस्ती गणगोर आवेदन कहीं वे, वे? चुस्ती हवे आवे कौन आवे ठीक है बात करा गुड़लेरी गुडलो गुड़लो जी के दिन आवे बी दिन कहीं बार चेक काटना पड़े गुड़लो लो बै टाबरिया गुड़लो ले रू दिया जगह ले रहा है समझ कौन है। तो घुड़ लो मतलब चैत्र चैक यानी चैत्र और कृष्णा आवाज कहीं दो चार रुपया देना पड़े और आठम तो आ हो गयो ओ हो गयो साहब घुड़ लो का हो गये घुड़ लो ओ भी समझ आ गयो बात ने तो सर एक बात बताओ हरियाली अमावस्या क्या याद करा तो हरियाली अमावस्या ने याद करा देखो अबार अब बात करा हरियाली अमावस्या हरियाली अमावस्या अब हरियाली अमावस्या वन जगह एक खास बात कहीं हुआ है ये हरियाली अमावस्या एक खास बात हुआ है कि इमें सगड़ा अपन लोग शाम ने जार पार कर मया बैठा तो शाम ने मतलब शा यानी श्रावण और मा यानी अमावस्या इम संधि विच्छेद कर लो अमावस्या तो ओलो साथ आ है हरियाली अमावस्या श्रावण री अमावस्या और जल झूलनी ग्यारह जन हुए जल झूलनी ग्यारह हुए जिकी में तो एक ही बात ध्यान रख लीजो और बात या, रखीजो गई भैंस पानी में जल झूलनी मतलब भैंस थोड़ी भारी ही झूलन लगी जन कहीं गई भैंस पानी में और मतलब भैंस हो यानी बाद वो, और सास यानी, शुक्ल और बात करी ग्यारह आलो साहब भाद्रपद शुक्ल जो है ग्यारह जल झूलनी ग्यारस आई सेट में अब बात करा के धुलंडी अब बात करिए धुलंडी अब गुरु जी धूलंडी कद खेले तो धुलंडी हमेशा चौक में खेली जाए कट खेली जा, चौक मतलब समझ आ गई बात चेत्र कृष्ण पक्ष होता है चौक यानी चेत्र कृष्ण अब बात हो आ, मतलब खेली जती थी काई हुआ? तो आ, है कि अपन नयो वर्ष जिसको लागे वो ई दिन लागे एक कम हुआ

फूल पानी खेलियो अब बात है गुरुजी एक बार करवा चौथ आया करे बीरो काई करी जे जे करे हाँ करवा चौथ री बात कर ला तो करवा चौथ रा काई हुए के जिकी शादी शुदा स्त्री हुए काई काटे केक काटे के, काट के गुरुजी केक काटे हाँ केक काटे किया कार्तिक कृष्णा कार्तिक कृष्णा अब चौथ तो लिखोड़ो तो मैं कहीं लिखू करवा चौथरा कहीं हुआ, हुआ है क्या शाम ने जो कि शादी शुदा करे गए केक काटे जन करवा चौथ ने काट लियो केक धुलंडी खेल ली चौक में बिसिल है ना और गई भैंस पानी में ठीक है जल झूल ली गस में और कहीं बच्चों अब बात शरद पूर्णिमा री की बात करा शरद पूर्णिमा तो शरद पूर्णिमा ने याद करने वास्ते तो एक छोटी सी ट्रिक है और बट ट्रिक है ए सी पी कहीं ट्रिक है ए सी पी गुरु जी आ किसी ट्रिक बैठी कौन है भाई इम देखो इमें एक चीज और भी है थे नहीं है भी याद रखो आसिफ याद रख लो का ही याद रख लो आसिफ आसिफ उस रखी सेट बैठ सी आसिफ उस सेट बैठे यहां के आ हुआ है आसोज आसोज पूर्णिमा ऐसी याद रखो और चाहे सच्चे जी याद हो ओ आसोज ओ पूर्णिमा है आलो साहब शरद पूर्णिमा होगी अब बात करा दशहरे री गुरु जी दशहरे हालांकि याद करें तो आज हो है लेकिन दशहरे फिर भी याद किया करा तो दशहरे आंसू आज हो है बेचारे रावण ने जो गए तीर ठोक दे जन करे आंसू आवे आसोज और सु। अब दशहरा दशहरा मतलब आवे दशम ने आ तो बात क्लियर है ठीक है तो लेकिन ओ सु मतलब शुक्ल तो आसोज रहे शुक्ल पक्ष रहे दसवीं ने कहीं हुआ है आसोज आज वो भी आप क्लियर हो गया मन लगे कौन कि आप थार कोई रह जाए ठीक है अब बात करा देव उठनी ग्यारस ठीक है देव उठनी ग्यारस अब देव उठनी ग्यारस नी काशी जाया करा किन जाया करा काशी जाया करा क्यों काशी क्यों जावा तो क्यों वो मत पूछो काशी जाया करा क्योंकि काशी कार्तिक शुक्ला कार्तिक शुक्ल पक्ष शुक्ला मतलब कार्तिक जो है वो शुक्ल पक्ष है ठीक है और बसंत पंचमी अब बसंत पंचमी रा याद रखे एक बात बसंत पंचमी आ हुआ मौसी बसंत पंचमी मौसी ग्रहण बहुत शुभ मानीज है मतलब का ही हो मार्ग सी श्रोमण हुआ है और शुक्ल पक्ष हुआ है ठीक है अब मैंने वो बताओ जरूरत कौन है पांचम ने हुआ कहीं हुआ है पांचम ने हुआ बाद फिर ठीक है आगे चलो अब किसो रह गयो के गुरुजी अब भी बहुत हो गया देखो बहुत हर तरीके से पढ़ता रहे और बीम पार कौन पड़े और कई सिर्फ दो महीना पढ़ सिलेक्शन निकाल ले है। पढ़ने पढ़ने है। क्यों क्योंकि एक, एक वो बात है नहीं एक कोई पढ़ाऊ हो मैं आज एक वीडियो मैं मैंने बताऊं एक वीडियो देखो कहीं हुआ कि एक टीचर हुआ है वो टीचर

सभ्यता ठीक है देखो काफी बता दिया मैंने लोह युगीन सभ्यता बताओ देखें लोह युगीन सभ्यता जो है वो कौन सी है बेणेश्वर डूंगर इनमें से भाई आप मिलान देख लो इतनी सारी लिख दी ये क्यों लिखने का इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ भाई एल सगली लोह युगीन है और आमो लोह युगीन कौन है बस औति सी बात है तो देखो ये जो नो भरतपुर जोधपुर या जयपुर सुनारी जुजनू ये क्या है सभ्यता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना जो है वो कब हुई थी 1900 में उन्नीस में, उन्नीस या फिर उन्नीस में बताओ देखें तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में कब हुई थी उन्नीस में फिर से मिलान करना है 27 नंबर क्वेश्चन में फिर से मिलान करना है बिजोलिया का शिलालेख चीरवे का शिलालेख ंगी ऋषि का सिले रणकपुर प्रशस्ती मिलान कीजिए बारह सौ छब्बीस तेरह सो तीस चौदह सौ पिचियासी या फिर चौदह सौ छियानवे जल्दी से मिलान कीजिए कर लिया मिलान तो मिलान आप जब करेंगे तो बिजोलिया आ जाएगा ये चौदह सो छियानवे विक्रम संवत यहीं से आपको उत्तर निकल जाएगा ये पड़ा उत्तर फिर बी में हो जाएगा एक फिर सी में हो जाएगा तीन चौदह सौ पिचयासी और रणकपुर प्रशस्ति को विशेष याद रखना ये क्या गड़बड़ कर दी ये मैंने गड़बड़ कर दिया डी में दो हां गड़बड़ कहां कर दी सही है ना डी तेरह सो तीस बिल्कुल सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए फोर बी वन सी थ्री और डी टू आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फिर मिलान कीजिए यह कह रहा है कि कपड़े गहने की सूची है और इनका अन्य प्रकार के साथ मिलान करें दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें तो अंग्रक की तारा फलियों का संबंध इनमें से किससे कौन सी चीज क्या है तारा की ओर नहीं होती है क्या तो बी में एक ढूंढ लो बी में एक दो जगह मिल रहा है पगड़ी क्या है अंग्रक्की है या फलिया है तो ये आप देख लो बता दो क्या है फटाफट बताओ तो इसका उत्तर हो जाएगा देखो ए में तीन बी में एक और सी में जो है दो तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है सिंपल सी बात है ये बहुत सरल क्वेश्चन आ गया जिसमें तार छापर जो चूरू फुलवाड़ी के नाल उदयपुर और बंद बरेठा भरतपुर यही है ना ए में चार कहां ए में चार येरा बी में दो है सी में दो है फुलवार अच्छा 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 ये गलत बता दिया थोड़ा सा गलत बता दिया ना ये इस तरह से गलती सबसे होती है मेरे से एक से नहीं होती है जैसलमेर बी में चूरू हो गया ठीक है और सी में दो यानी भरतपुर और बंद बारेठा उदयपुर यार ये मेरे सेट नहीं बैठ रहा ये मेरे सेट नहीं बैठा बंद बारेठा फुलवाई नाल तो उदयपुर में है ना नहीं है क्या अब ये इस तरह से कई बार दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता है हाँ ठीक है और ये पहले सही मिलाया था क्या बात है कमाल करते उच्चारण जी है ना राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है जयपुर भरतपुर उदयपुर या फिर कहाँ है तो आप इसका उत्तर देंगे इसका उत्तर है जयपुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है वो उदयपुर में है उसके बाद आप फिर देखेंगे नेक्स्ट राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का निर्माण किया गया कहते हैं देश का पहला संविधान पार्क का निर्माण हो रहा है और वो कहां हो रहा है ये पहले प्रश्न आया है क्या जयपुर में हो रहा है कहां हो रहा है जयपुर में हो रहा है नेक्स्ट है कि राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बी जो है वो तनोट राय जो क्षेत्र है उसको विकसित कर रही है तो वो किस प्रोजेक्ट के तहत कर रही है इसका उत्तर आपको देना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्वदेश दर्शन मिशन शक्ति सीमा दर्शन शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट तो वो है शक्ति सीमा दर्शन दर्शन प्रोजेक्ट उसके बाद है सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्यामलाल मीणा चंद्र प्रकाश द्विवेदी राजीव महर्षि या मोहन भागवत तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा राजीव महर्षि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को पदम श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति कौन है वंदना कटारिया स्मृति मंदाना अवनी देवेंद्र झाझड़िया तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया क्या हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया जो है इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने बरेली की जेल याद रखना बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण जो है वो मृत्यु हुई थी ऐसे व्यक्ति कौन थे ये शब्द जो है वो बिल्कुल गलत शब्द है उन कहेंगे निधन या शहीदी हुई थी उनकी देश के लिए और वो हैं हमारे आदरणीय प्रताप सिंह जी बार्ट जिन्होंने कहा था मेरी मां रोती है तो रोए लेकिन मैं एक मां को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता आगे चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है रोईडा खेजड़ी गुड़ाउंड ऊंट चिंकारा इनके रासायनिक रासायनिक क्या वैज्ञानिक रासायनिक नाम नहीं वैज्ञानिक ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन हैं ला रहे ताकि आपको मतलब रट जाए ये चीजें गलती ना रहे तो देखिए रोईडा क्या है रोईडा के बारे में सबको पता है टिकोमेला अंडुलेटा ठीक है और खेजड़ी जो है प्रोसोफिस सिनेरेरिया ठीक है और गोडाउन क्रायोटिस नाइग्रेसिस तो बस ये इतने से मिल जाता है लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं डी में कैमेल कैमेलस ड्रोमेडेरियस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको और ये जो क्या नाम है हाँ चिंकारा जो है गजेला बनेट्टी ये इसका उत्तर हो जाएगा डी जो है इसमें राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट खोरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु गठित राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है जैसे मैंने एक दिन देख रहा था कि कई हैं सर इसकी शुरुआत कब हुई ये जो आन, ये जो मिलावटखोरों के विरुद्ध जो आंदोलन है ना ये आ, गठित मतलब अभियान आंदोलन क्या अभियान ये चलते रहते हैं इनकी डेट्स भी बदलती रहती है आप याद रखें लेकिन इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव कौन होता है मुख्य सचिव नेक्स्ट निरोगी राजस्थान अभियान कब प्रारंभ किया गया था निरोगी राजस्थान अभियान कब प्रारंभ किया गया था तो बिल्कुल इसका सही उत्तर आपने देख देख लिया होगा है तो 18 दिसंबर 19 20 21 22 तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 क्या हो जाएगा 19 नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे घर-घर औषधि घर योजना में किन-किन प्रजातियों के पौधे वन विभाग द्वारा निशुल्क बांटे गए हैं वो बताओ देखें जल्दी से तो आपको पता है कि भाई औषधि कौन सी बढ़िया-बढ़िया होती है तो देखो तुलसी गिलोय अश्वगंधा और कालमेघ ये हैं अब नीम अर्जुन गरगर -गर बांटने से कोई मतलब ही नहीं है इससे भी आपंदाता लगा सकते हो समझ गए आप बात को या नीम है फिर से यानी बात यही खत्म हो जाती है इसका उत्तर यही मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर देखेंगे कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान आप बताओ ये काजरी है या आफरी है क्या है आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए कई बार नाम भी याद को ना हो है। तो स्थापना कब करी ही स्थापना करी ही उन्नीस में कब करी ही उन्नीस में अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सरसों सु यहां पर दिमाग गयो प्रकट है भरतपुर में खजूर अनुसंधान में दिमाग कटा गयो बीका ने तो ए में तीन और बी में दो कटे दिखे गए ए में तीन और बी में दो तो गुरु जी मान तो को दिशे नहीं तो वो गड़बड़ होगी फिर अच्छा और और देखो इनमें बी में चार तो ये मतलब ओ बी में आसी चार ए तो में तीन बी में चार सी में एक राष्ट्रीय बीज अनुसंधान अजमेर हाँ में है, अब यह भी पता होना चाहिए कि तिरंदाजी जो है वो कौन कौन करते हैं कौन कौन नहीं करते हैं क्योंकि पता होगा तभी करोगे वरना कृष्णा पूनिया पूर्वी चंदेला रजत चौहान और सतीश जोशी इनमें से कौन सा तिरंदा तिरंदाजी से संबंधित है तो आपको उत्तर मिल चुका होगा रजत चौहान नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे लक्ष्मण सिंह महावीर प्रसाद वीजी कानेटकर या हनुमान सिंह बताओ देखें कौन थे तो इसका उत्तर होगा कानेटकर क्या उत्तर होगा इसका कानेटकर नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी रुखाड़ पानी रुखाड़ के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है पानी तो हम हिंदी वालों को पता होना ही चाहिए तो वो दिया गया है कीर्ति कीर्ति शर्मा शर्मा को को किसे दिया गया है? को दिया गया गया है है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन डैश 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 से हुआ था ये प्रश्न कोई मैं चार पांच बार दे दिया हूं देखो ये प्रश्न पेपर में आए जरूरी नहीं होता लेकिन ये प्रश्न इसलिए जरूरी होते हैं ताकि आपको कम से कम पता चले कि भाई हमें पढ़ना क्या चाहिए और हमें किस दिशा की ओर चलना चाहिए अब ये कब से कब तक चले थे बहुत बढ़िया प्रश्न आपको दिया है अब ये आपको आना ही चाहिए मैं तो यूं कहता हूं और मैंने जब ये पहले प्रश्न आया था मैंने एक दिन दिया था ये प्रश्न तब मैंने साफ की थी कि हम सोचते हैं कि या तो किसी की जयंती से स्टार्ट होता है वगैरह ऐसा नहीं है ये उनतीस अगस्त के आसपास उनतीस अगस्त से बीस अक्टूबर तक चला था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया था उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताओ देखें यह भी शायद पहले आया था एक दिन तो इसमें आपको मैंने बताया था कि दुर्गा राम और सुनीता गुलाटी ये दोनों व्यक्ति हैं ये प्रश्न पहले एक दिन आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मधु कांकरिया को कांकर बिहारी पहले तो याद रखना इकतीसवां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया अब हम यहां थे फुलवारी ढोला मारू या पंचरंग चोल पहर सखीरी बताओ देखें कौन कौन सा इसमें से तो इसका भी आपने उत्तर सही दिया होगा हम यहां थे मधु कांकरिया इकतीसवां बिहारी पुरस्कार अशोक गहलोत द्वारा ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता है ये सारे करण दो चार करंट जो है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये है अब कल आप देखो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आ, इसका उत्तर हो जाएगा तीन करोड़ रुपए दिए जाने की बात है सर क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो अशोक गहलोत द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को किसी प्रोत्साहन कितनी प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तीन करोड़ रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन है चैस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा किस जिले से की गई अब शिक्षा मंत्री उसी उठी तो प्रयास करी कोशिश तो तो बहुत करोड़ी है बीकानेर किस जगह करी है बीकानेर नेक्स्ट केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को डैस तक जारी करने का निर्णय फरवरी 2022 में किया है फरवरी 2022 में किया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इसका नाम क्या देखना रूसा को तक जारी करने का निर्णय किया कब तक जारी करने का निर्णय किया है बताओ देखें तो यह किया है 31 मार्च 2024 तक याद रखना 31 मार्च दो हजार तो नहीं है नहीं यार 24 नहीं है सॉरी माफी चाहता हूं यह गलती हो जाए इकतीस मार्च दो है इसका उत्तर है इकतीस मार्च दो नेक्स्ट है भरतपुर के भुवासर स्थित राजकीय स्कूल और भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय एक जून ग्यारह जून को राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है तो वो लिया है जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखने का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिको द्वारा जो प्रवेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का के प्रयास किए जा रहे हैं बताओ देखें कौन सा है तो वो है रिको द्वारा प्रवेश के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है जोधपुर क्या है जोधपुर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सौर विद्युत उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान ही ही पड़े टेंशन बात सौर उत्पादन में आप ही एक नंबर पहला क्या होगा पहला नेक्स्ट 2022 में डबल डेकर मालगाड़ी की शुरुआत किसी मार मालगाड़ी डबल डेकर मार गाड़ी की शुरुआत कहां से की गई थी बताओ <coughs> तो ये इसका उत्तर होगा भिवाड़ी अलवर से कहा भिवाड़ी अलवर से भिवाड़ी अलवर से स्काउट एंड गाइड की राजस्थान में कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है गजब क्वेश्चन है ये भी गजब क्वेश्चन है स्काउट और गाइड की राजस्थान में कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है उसका नाम है ज्योति क्या नाम है ज्योति नेक्स्ट एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब 15 अगस्त तो है अब यह यहां कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कहां यहां पर बताओ देखें तो ये की गई थी पिछानवे उन्नीस सौ पिचानवे नेक्स्ट है सर्वशिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में वर्तमान में कितना कितना प्रतिशत हिस्सा है एक बात मैंने आपको पहले भी कहा था केंद्र हमेशा जो है 50 से प्लस ही रहेगा और राज्य जो है वो 50 से माइनस यानी कभी भी राज्य का हिस्सा उससे ज्यादा नहीं जाएगा और इनका हिस्सा है पैंसठ पैंतीस का कितना है सठ पैंतीस का किस दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा जो पूरी प्रारंभिक शिक्षा है उसको पंचायत राज को स्थानांतरित कर दिया गया था लेकिन पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया था बताओ देखें तो वो डेट थी यहां कंफ्यूज हो गया आप लेकिन मैं बता दूं 2 अक्टूबर 2010 को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं इनमें से एक जो है वो राजकीय संस्था नहीं है बताओ देखें बताओ तो इसका उत्तर हो जाएगा यह राजकीय संस्था नहीं है बाकी तीनों राजकीय संस्था है अभियान का करना नामांकन बढ़ाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना क्या ये उद्देश्य है बिल्कुल ये ही उद्देश्य है यह ही उद्देश्य है क्या उद्देश्य बहुत अच्छा प्रश्न है यह कहा गया आज वापस शिक्षा का करन करना नामांकन बढ़ाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहां प्रकाशित होते हैं बताओ देखें कहा प्रकाशित होते हैं लेखा विज्ञान में नया शिक्षक में सिविरा में बोर्ड जनरल में या फिर अपने अच्छा बोर्ड जनरल बोल दिया हाँ बताओ देखें तो ये होते हैं कहां होते हैं सिविरा में कहा होते हैं सिविरा में नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा एक दो यह तो कल आया था सेम, ले लिया, क्या मैंने? आ, सेम ले लिया चलो देखते हैं नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाया गया है बताओ लहर मीना मंच या फिर बताओ देखिए क्या होगा तो इसका तो आपको उत्तर कल ही बता दिया था लहर नेक्स्ट है वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकारी होता है वो किसे बनाया गया है बताओ देखें तो आपको जानते हैं कि आपके स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है उसमें सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होता है ग्राम पंचायत पर पीईओ होता है ठीक है और स्काउट व गाइड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा ये भी प्रश्न जो है कल ही आया था अब ये रिपीट आपको बताया थोड़े से तो मैं करता हूं कई हो जाते हैं तो इसका क्या होगा ब्रॉन्ज वुल्फ अवार्ड होगा ब्रॉन्ज टाइगर अवार्ड होगा या फिर क्या होगा तो ये कल मैंने कहा था भेड़िया है और कहते हैं कि सबसे बनना है तो भेड़िया बनो शेर मत बनो क्यों कहते हैं इसके पीछे आपने कभी वीडियोस देखे होंगे इस टाइप के एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत किस सिद्धांत है एरिक्सन का सिद्धांत देखो प्रश्न एक यहां भी क्लियर हो रहा है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है बताओ देखें तो वो विशेषता सृजनात्मक बनाना है संपूर्णता बनाम हताशा है सृजनात्मक बनाम ठहराव है उद्यमिता बनाम हीन भावना है या तादात्मकता बनाम भ्रांति है बताओ देखें तो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है और इसका उत्तर है तादात्मकता बनाम भ्रांति नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगोकी के अनुसार अधिगम जो है वो क्या है बताओ देखें सामाजिक गतिविधि क्या है सामाजिक गतिविधि क्या है सामाजिक गतिविधि नेक्स्ट है माही विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गए है? यह कहते हुए ने उसका लंच साझा करने के लिए कहा तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था लॉरेंस कोहलरबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार माही का कथन डैश 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 विन्यास प्रारूप को डैश 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 अवस्था पर दर्शाता है बताओ देखें बताओ बताओ तो इसमें उत्तर होगा आदान प्रदान और परंपरागत तो यह अनुसार माही का कथन आदान प्रदान अभी विन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है बहुत ही गजब प्रश्न लगा मुझे इसलिए सेलेक्ट कर लिया आगे चलते हैं नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसका सही क्रम क्या होगा यह तो आपने बहुत लंबे समय से पढ़ा होगा एक कॉमन प्रश्न है यह कोई विशेष नहीं है लेकिन कंफ्यूज करने वालों के लिए विशेष है पहला इसमें ज्ञान आएगा अब आप उत्तर देख लें यह देखो मूल्यांकन कभी पहले स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता यही खत्म हो जाता है ज्ञान पहला है फिर उसके बाद अब आप देख लो बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन सत्तर नंबर क्वेश्चन जो आप देखेंगे कि किसी बच्चे का दिया गया विशेष उत्तर कोहलर वर्ग का जो नैतिक तर्क है कि सोपाने को विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए यह चीज जो है वो किसमें शामिल होगी बताओ देखें बताओ बताओ जल्दी बताओ यह प्रश्न थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर को हजर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा यदि वह ईमानदार यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए तो संकुचन नहीं है इसमें कानून और भाई कानून का तो रोल ही नहीं है यहां पर क्योंकि दंड थोड़ी है और दंड भी नहीं है इसका मतलब यह है क्योंकि ये क्या है नैतिक है नैतिक मतलब अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन मतलब जो अच्छा है उसे अच्छा ही रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का जो वर्ष है अंतराल संबंधित है किस वर्ष अंतराल तो ये होता है छह से बारह वर्ष तक जो है वो सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल जो है वो कहलाता है सिंपल से क्वेश्चन है ये ज्यादा टेढ़े मेढे क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन आप देखो अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में आंतरिक प्रेरणा हो सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो अधिगम केवल तभी प्रभावित तो है जब शिक्षक बाहरी रूप से प्रेरित हो बाहरी कारणों से प्रेरित हो ठीक है अधिगम में प्रेरणा की भूमिका नहीं होती अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हैं। बात सीधी सी है वो बाहरी कारणों से प्रेरित नहीं होता कभी दूसरा प्रेरणा की भूमिका कैसे कह सकते हो नहीं होती प्रेरणा की भूमिका होती है तो इसका उत्तर क्या होगा बहत्तर में ए होगा बहत्तर में क्या होगा ए नंबर क्वेश्चन एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया लो करो बात ठीक है तो बच्चे को बेच दिया और ऑप्शन दे दिए एक दो तीन चार पांच बहुत बढ़िया ये भी ए बी सी डी डी है ना बेच दिया इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है मनोसामाजिक सिद्धांत वाले आकस्मिकताओं का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो फिर कौन सा है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत ये एक्स्ट्रा छप गया पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत क्योंकि उसे जो है भोजन की आवश्यकता हुई इसलिए उसने बच्चे को बेच दिया सृजनात्मकता यानी सृजना क्रिएटिविटी होता है क्रिएटिविटी होता है का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है सृजनात्मकता में कौन सा कारक जो है वो सहायक नहीं है बताओ देखें कविता पूरी करना ये कविता पूरी करना एक सृजन है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना यह भी सृजन है अधूरी कहानी को पूरा यह भी है पहली सुलझाना एक तरह से लेकिन प्रश्नों का उत्तर लिखना कोई सृजनात्मकता नहीं है यह याद रखें नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है छोटा होता है जल्दी समझ में आता है विश्वसनीय होता है उनके कई उत्तर होते हैं सिंपल सा आपको मिल गया होगा उत्तर ये विश्वसनीय होता है क्या होता है विश्वसनीय होता है नेक्स्ट है इंटरनेट, नर, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी उपयोग में आती है F8, F9, F10, F11. अब ये प्रश्न तो जिसने पढ़ रखे हैं ना वो ही कर सकता है बाकी नहीं कर सकता तो कंप्यूटर जो रात दिन यूज लेते हैं उन्हें पता एफ इलेवन से जो है वो इंटरनेट ब्राउजर विंडो फुल स्क्रीन पर आ जाता है एफ इलेवन दबाने से जैसे आर्ट के साथ फोर दबाते हो तो रिफ्रेश करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है एफ फोर के साथ एफ फोर यह तो कंप्यूटर यूज करते हैं वो बता सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है कोर होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है कौन सा करता है बताओ देखें तो उसको क्या कहा गया है कंट्रोल यूनिट ड्राइवर सेल या कर्नैल प्रश्न थोड़ा डाउट है मैं, मुझे डाउट है इसका उत्तर जहा था देखो कुछ उत्तर तो इस, इस टाइप के उत्तर तो पढ़, पढ़ा करनेल था लेकिन मुझे उस वक्त डाउट था मैंने चेक नहीं किया था ठीक है चेक नहीं कर पाया था मैं बता देता हूं आपको नेक्स्ट है कंप्यूटर पांच मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है नहीं जो इनपुट डेस्ट आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल है क्या है ये कंप्यूटर गणना है प्रोसेस है कंपाइल है कंपाइल कहते हैं एग्जीक्यूट है बताओ देखिए क्या है तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ये क्या है सारी प्रोसेस प्रक्रिया है पांच मूल कार्य जो है उनको क्रियान्वित करना यानी इसका मतलब ये प्रोसेस करता है ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग ई बैंकिंग या उपयुक्त सभी तो ऑनलाइन बैंकिंग में आप जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग कैसे दो चाहे नेट बैंकिंग दो तो इसका तो उपयोग सभी होना चाहिए या नेट बैंकिंग वैसे नेट ना, इंटरनेट बैंकिंग तो नहीं होती है नेट बैंकिंग है भाई कंफर्म है संशोधित किया गया था आपने सिर्फ यह पढ़ा होगा कब स्टार्ट हुआ लेकिन संशोधित किया गया यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बताओ देखें तो संशोधित किया गया था ये 2008 में कब किया गया था 2008 में अब भाई हिंदी मुझे अच्छा लग रहा है ना पेपर में आप भी जब इस जीके से माथा बड़ी करते करते लास्ट में आवे नहीं हिंदी जन के ओ रे छोटे जीके हुई हूं तो अब हिंदी आ गई अब अपना जन घर्रा आ गया है ना तो गलत संधि विच्छेद छाटिए संसद सम धन सद धन आनंद ठीक तो है विच्छेद छेद दिग्दर्शन दिग्धन दर्शन तो ध्यान पढ़ गया अठ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो हाँ इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है सत शिव सत्यिव ठीक है पितृ उपदेश पितृ उपदेश, सत धन धर्म सदधर्म धर्म धन मार्ग सदमार्ग तो ये क्या होना चाहिए यहां पे सन्मार्ग होना चाहिए क्या होना चाहिए सनमार्ग होना चाहिए नेक्स्ट इन अब ये, ये मत कहना कि सर इसमें बताओ सही गलत कौन सा मैं यहां बता रहा हूं तो ये गलत ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भावाचक संज्ञा का गलत जोड़ा बताओ सती से सतीत्व बनता है क्या मधुर से माधुर्य बनता है क्या युवा से अवस्था बनता है क्या बहुत से बहुतायात बनता है क्या तो ये गलत जोड़ा बताओ युवा से अवस्था तो ये गलत जोड़ा ये रहा बनेगा नहीं युवा अवस्था होगा अवस्था कैसे बना रहे हो आप सीधा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है धीरे शब्द धीर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है धैर्यता धीरता धीरवीर इनमें से तो देखिए धैर्यता कोई शब्द नहीं होता धीरता शब्द होता है अगर केवल धैर्य होता ना तो मान सकते थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कोई ना कोई आ सकता है कोई ना कोई आ सकता है वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है ठीक है कोई ना कोई मतलब पता नहीं कौन अनिश्चय एक वो कल मैंने देखा था जैसे एक शब्द था उठकर चला गया इस प्रकार से वाक्य था तो मैंने उसमें बताया था कि क्रिया विशेषण यह है क्रिया विशेषण यह है यही बताया था ना मैंने मैंने बताया क्रिया विशेषण यह है और यहां पर था शायद ये इस प्रकार से था शायद धीरे से उठकर चला गया ठीक है उठकर चला गया तो एक मतलब कमेंट्स चल रहे थे कि सर ये तो पूर्वकालिक क्रिया मुझे एक बात बताओ आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो यहां पर आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हो ना आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हो ना जैसे सपोज ये राम खाना खाता है ठीक है मैं इसमें पूछूंगा कारक बताओ तो आप क्या कहोगे गुरुजी मैं कारक किस है करता मैंने पूछा भाई आप संज्ञा बताओ तो आप राम में क्या बताओगे कि गुरुजी राम में जो कोई है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या ठीक है और मैं मान लो इसको यूं कर दू बहादुर राम बहादुर राम मैंने कहा बताओ राम में राम क्या है तो आप विशेषण टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्या कहोगे गुरु जी विशेष्य है क्या बोलोगे आप <coughs> विशेष है समझ गया तो जब एक ही टॉपिक में आप कारक बता सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा बता सकते हो ये विशेष्य बता सकते हो तो हम यहां टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो तो देख लो पहले यहां हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो देख लो आप पहले अब बात के सर नहीं चलो नहीं पता होता कोई बात नहीं आप इस चीज को समझना है ना यहां पे क्रिया क्या है ये क्रिया चला गया और चलने की विशेषता क्या है उठकर क्या है उठकर ये पूर्वकालिक अगर आपको क्रिया में पूछा जाए तो ये पूर्वकालिक ही है लेकिन यहां पर यह क्रिया विशेषण है क्या है क्रिया विशेषण अब बात आई सर अगर क्रिया विशेषण है तो कौन सा है तो क्रिया विशेषण है तो रीतिवाचक है कौन सा है रीतिवाचक कैसे है सर चलिए बताता हूं ये देखिए कालवाचक होता है वो आपको कहता है कि क्रिया कब घटित हुई स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होता है वो कहता है क्रिया कहां घटित हुई परिमाणवाचक जो होता है वो कहता है क्रिया कितनी घटित हुई लेकिन रीतिवाचक कहता है क्रिया कैसे घटित हुई थी? ठीक है तो रीतिवाचक क्रिया कैसे घटित हुई तो यहां पे चला गया वो कैसे चला गया बोला उठकर चला गया कैसे चला गया उठकर ये क्रिया विशेषण ही है ठीक है मैं मना तो नहीं सकता मैं कह रहा हूं ये क्रिया विशेषण है जो मानते हैं वो क्लियर माने एकदम नो, आ, मतलब नो डाउट अब बात करते हैं आप जब भी पढ़ोगे तो आप एक चीज बहुत बढ़िया पढ़ोगे क्या पढ़ोगे कि वे शब्द जो किसी भी क्रिया विशेषण में शामिल नहीं होती वो अंततोगत्वा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में शामिल हो जाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषणों का जो शब्द भंडार है वो मतलब बहुत बड़ा है जैसे जातिवाचक संज्ञा में जो किसी में नहीं आती वो जातिवाचक संज्ञा में आती है जैसे गुणवाचक विशेषण जो किसी विशेषण में नहीं आते वो सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं तो आप अभी जो पढ़ रहे हो आप थोड़ा सा एक मतलब जो सीमित मात्रम पढ़ रहे हो मैं आपको बता रहा हूं ये क्रिया विशेषण है पेपर अलग-अलग तरह क्योंकि इस तरह से तो फिर देखो अगर मान लो आए कि अच्छों की संगति करनी चाहिए अच्छों की संगति करनी चाहिए इस प्रकार आए और आपको अंडरलाइन करके पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहो इसे विशेषण बताओगे बोला इसमें विशेषण है नहीं ये क्या है ये संज्ञा है अल्लाह गुरुजी संज्ञा आ बात कहीं बता दी अच्छा संज्ञा ही पूछ ली किसी संज्ञा है आज जातिवाचक संज्ञा है किसी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है गुरुजी अच्छा तो विशेषण होता है वाक्य की लैंग्वेज देखकर उत्तर निकलता है कभी भी इस तरह से नहीं निकलता है अच्छों की संगति करनी चाहिए यहां पर यह अच्छा क्या है यह संज्ञा के रूप में आया है बात समझ आई तो ये चीज होती है आगे चलते हैं मैं बता दे तो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नहीं जो हाँ बताया वो कौन सी है तो वो ये रही उस और को इसको मिलाकर क्या बन गया उसे तो ये कार्य की विभक्ति जुड़ी हुई है नेक्स्ट नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है तो मैं वक्ता बोलने वाला आप 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 श्रोता सुनने वाला मैं 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 और आप, मैं और आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया जिस अब किसी अन्य पुरुष के लिए मैं सम्मान सूचक शब्द यूज दे रहा हूं यानी यह उसने है उसने क्या होता है अनिश्च अन्य पुरुष होता है और उसने को जब आदर से बोलते हैं तो आपने बोलते हैं तो इसमें होगा अन्य पुरुषवाचक नेक्स्ट किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम शब्द है अब आ जाओ बताओ नख चीर जड़ता सिर इसमें उत्तर वही तरीका वही रखना कौन सा जो नहीं है वो निकालो बाहर जैसे ही निकालोगे उत्तर अपने आप दौड़ के आ जाएगा बताओ देखें इनमें से एक एक निकालो तत्सम शब्द है जिसमें सारे के सारे क्या है तत्सम शब्द है और इस तरह निकालोगे तो उत्तर निकल के आएगा यहां आप टाइम लो अच्छे से टाइम लो कोई दिक्कत नहीं नख चीर जड़ता सिर नदी नगर पर्वत दूर वृक्ष वृक्ष नहर तालाब सरोहर बताओ देखें धवल काला पीत पालक तो इसमें हो जाएगा नदी नगर पर्वत दूर समझ गया आप बात को नदी नगर पर्वत दूर ठीक है और चलो आगे नेक्स्ट है किस क्रमांक में तद्भव है तद्भव रो मतलब चंद्रबिंदु चंद्र बिंदु, चंदर बिंदु है आंख में आगे चलो नेक्स्ट किस क्रमांक में सब तत्सम है दूर मीत मुठी मोर तो आप बताओ देखे अड़ मयूर हुए अढ़ मुष्टिका हुए हुआ कौन हुआ मुस्टिका और अठ वह है मित्र है दूर और तत्सम से ठीक है नेक्स्ट तत्सम तत्वों का सही युग में बताओ वृक्ष पेड़ उधर पेट आमलक आमला जल नीर आप बताओ देखें तो जल नीर आमलक आमला उधर पेट वृक्ष पेड़ ये क्या पूछ तत्सम का पूछ रहा है तत्सम और तद्भव हाँ। सही बताओ देखें बहुत बढ़िया है अच्छा प्रश्न है तो तत्सम तद्भव ये है आमलक और आंवला समझ गया बात नेक्स्ट चक्षुश्रवा जो इसमें समास कौन सा है इसमें समास है बहुव्रीही बहुव्रीही क्यों है क्योंकि चक्षु से जो श्रवण करता है वह सांप कौन सा है सांप है क्या होता है सांप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्लास तो सही चल रही है ना हाँ बिल्कुल कई बार डर वो लगता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है श्रीमती पर्वत बाला सदवा तो पुलिंग शब्द पूछा है आपने उत्तर दे दिया होगा पर्वत नेक्स्ट तीन छात्र पुस्तकालय में अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है तीन छात्र पुस्तकालय में अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे आ गई है क्रिया पढ़ रहे पढ़ने का काम कौन कर रहे थे छात्र तीन छात्र क्या पढ़ रहे थे पुस्तकें को लगा के चेक करो तीन छात्र पुस्तकों को पढ़ रहे थे यानी सकर्मक क्रिया किसी सकर्मक क्रिया नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है अफ्रीका छाता काजल और तमिल बताओ देखें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो बिल्कुल आप जानते हैं कि तमिल एक भाषा है और भाषाएं जो है वो स्त्रीलिंग में आती है नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमीय सुधा पीयूष रसाल बताइए ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आया था अभी शायद पेपर में मेरे ख्याल से आया था शायद बिल्कुल और आपने देखा होगा रसाल सब था था कि नहीं था वहां पे रसाल था या तो यही था या फिर ऐसे कुछ था अगर ये प्रश्न आया है ना तो बहुत बढ़िया बात है मैं क्लियर बता दूं कि ये मेरे पेपर पहले के तैयार किए हुए पेपर हैं ठीक है ना और यही प्रश्न था मेरे ख्याल से या रसाल शब्द था मैंने उस दिन आंसर की सॉल्व करवाई थी तो आप मानो या न मानो रियल बता रहा हूं कि आपको आपकी जो तैयारी है ना मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कल मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा उस शॉर्ट को जरूर देखना <laughs> क्या सर आज ही बता दो नहीं मैं कल एक आपको सूचना दूंगा तीस सेकंड का ही तो होता है बेचारा सूचना दूंगा उससे समझना और अभी तक भी क्या है आज तारीख कितनी हो गई आज हो गई सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस अरे वाह नहीं अट्ठाइस तो एक नहीं उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस दिन तो सात ही बच्चे छब्बीस सात पेपर है सेना का पर्यायवाची शब्द है ये कल भी आ गया अनेक अब देखो क्वेश्चन क्या है हिंदी वाले तो रिपीट होने शुरू हो गए वसुंधरा में समास कौन सा है लेकिन कल और परसों वाले दो पेपर रिपीट नहीं होंगे बहुवरी समास संप्रदान संबंध अलुक कौन सा है वसुंधा वसुओं को धारण करती है जो वह कौन है धरती माता बहुवरी समास नेक्स्ट क्वेश्चन बटमार में कौन सा समास है नया तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष मध्यम पद लोभी अलुक तत्व बटमार बटुए को मारने वाला तो इसमें क्या हो जाएगा मध्यम पद लोपी बाकी और कोई सही नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बटुए को मारने वाला बटमार होगा क्या यह बक्सा बहुत भारी लगता है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है यह बक्सा बहुत भारी लगता है इस वाक्य में गुणवाचक तो देखो क्या है बक्सा यह क्या है संज्ञा अब देखना यह बक्सा यह क्या है सार्वनामिक विशेषण ठीक है ये क्या है बक्सा बहुत भारी तो ये भारी ये क्या है विशेषण ठीक है और ये क्या है प्रविशेषण समझ गया बात? तो अब यहां पे पूछ क्या रहा है ये गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा भारी क्या होगा भारी अरे साहब प्रश्न पूरी व्याकरण को क्लियर किया हुआ टेंशन मत लो तुरंगम का पर्यायवाची शब्द बताइए तुरंगम तुरंगम मतलब नमक होता है सारथी होता है मोर होता है या फिर घोड़ा होता है बताओ देखें कौन सा होता है जल्दी से बताओ देखें घोड़ा <coughs> ही होता है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट कौन सा युग्म लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है तो दुल्हा दुल्हन नौकर नौकरी ग्वाला ग्वालिन लाला ललाई ठीक है यार आप बाकी चलो मिसप्रिंट पे पर मत जाना लेकिन नौकर का नौकरी नहीं होता समझ के बाद को नौकर का नौकरी नहीं नौकराई नौ... नौकरा नहीं होता है क्या होता है नौकरानी जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी आदर करते हैं इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है जो आते ही आप जानते हो को कौन सा कर दोगे विशेषण आश्रित उपवाक्य ढूंढ लीजिए कहा है विशेषण उपवाक्य ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवा के छाटिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवा के किसमें पुस्तक कहा है जिसमें कृष्ण कथा है वह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते हैं उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था सीता ने कहा कि मैं भी बन जाऊंगी पूछ रहा क्रिया विशेषण आश्रित यह है संज्ञा संज्ञाश्रित तो बात ही खत्म हो गई यह संज्ञा संज्ञाश्रित आपने वैसा ही वैसा और जैसा जब भी आता है ना तो यह होता है रीतिवाचक तो ये भी क्रिया विशेषण क्रियावीण दुफाक्य ठीक है वह कमरा आप बंद है जिसमें हम बैठा करते थे तो यह है ही नहीं मेरी वह पुस्तक कहा है जिसमें मेरी वह पुस्तक कहा है देखो ये रीतिवाचक क्रियाविश्वर ये रहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रियावीणाश्र दुफाक्य इसका राइट होगा सी ए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये ऐसे प्रश्न वास्तव में जबरदस्त प्रश्न होते हैं भगवान तुम्हारा भला करे ये मेरी इच्छा है ये किस प्रकार का वाक्य है तो आपको बता दिया मैंने ये क्या है ये इच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन नहीं है आपको पता है आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है बिल्कुल करते ही है उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं क्या वहां सुना तो हमने है क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं यहां गड़बड़ लग रही है रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं तो आपको पता है कि क्रिया जो होती है वो विधेय होती है और कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है तो इसका उत्तर क्या राइट हो जाएगा सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा जो है वायु और अग्नि का अर्थ वाला है वायु यानी अनिल और अग्नि यानी अनल वायु यानी अनिल और अग्नि यानी अनल निडर और दोनों अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग कौन सा अभय उभय उभय अभय भय अभय उभय उपभय अभय तो बिल्कुल इसका उत्तर भी आप देखेंगे क्या उत्तर होगा इसका अभय और उभय नेक्स्ट क्वेश्चन रचना तथा परिश्रमी रचना रचना तथा परिश्रमी अर्थ प्रदान करने वाला जो शब्द युग्म है वो बताइए रचना तथा परिश्रमी अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग कृमि कर्मी कृति कृति कर्मी कृमि कर्मी कृति बहुत ही जब, जबरदस्त है तो ये है कृति और कृति ये मैंने पहले बता रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन दाल में काला होना संदेह की बात होना सही बात होना दाल खराब होना शिकायत होना दाल में काला है, मतलब क्या है संदेह की बात है नेक्स्ट पेट में दाढ़ी मतलब कपटी होना भेद न लगने देना गुप्त बात छिपाना छोटी आयु में बुद्धिमान होना ये कॉमन चीजें हैं ऐसी चीजें गलत करना भी मत मतलब, मैं तो ये कहता हूं <laughs> अब क्या इसका ये करोगे कि छोटी आयु में बुद्धिमान होना पेट में दाढ़ी होने का मतलब ये होता है कि छोटी आयु में बुद्धिमान बताओ देखें पेट में दाढ़ी होना का मतलब ये होता क्या है भाई क्या पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता क्या है क्या कपटी होना होता है या फिर छोटे या फिर भेदना लगने देना होता है या गुप्त बात छिपाना होता है छोटी आयु में बताओ देखें अच्छा ये... ये तो हाँ इसी का बताना है पहले तो इसी का बताओ आप लोग हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन जरूर हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन बताओ देखें क्या होगा हम्म सही है ओके है तो छोटी उम्र में भी छोटी उम्र में भी क्या हो जाता है बुद्धिमान होता है पेट में दाढ़ी होना उल्लू बनाना काम निकालना मूर्ख बनाना बाधा उत्पन्न करना या काम बिगाड़ना तो आप जानते हैं ये सिंपल है मूर्ख बनाना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यह है कि मुहावरे का चयन कीजिए मतलब तीन लोकोक्ति ती एक मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी क्या उधो का लेना न माधव को देना नाम बड़े और दर्शन छोटे और कान फूकना तो यहां पर मुहावरा क्या हो जाएगा कान फूकना हो जाएगा सर ये क्यों हो जाएगा क्योंकि देखो लोकोक्तियां अपने आप में बहुत अलग दिखाई देती है और मुहावरे जो होते हैं वो अलग होते हैं जैसे एक तो एक पहचान ये होती है कि इनमें हमेशा पीछे ना ही लगा होता है तो सर ना तो यहां लगा है लेकिन यहां देखिए उद्धव का लेना ना माधो का देना ये लोकोक्ति है आप इन दो में तो कन्फ्यूज कभी होना ही मत इनमें कंफ्यूज हो गए तो आपको पता है कान फूकना नौ दो ग्यारह होना ये मुहावरे एक बार मुहावरे पढ़ लोगे ना उससे पता लग जाएगा कि कौन सा मुहावरा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट बिलाई ले गई तो हांजी हांजी कहना वाह क्या बहुत बढ़िया चुना है ऊंट बिलाई ले गई तो हांजी हांजी कहना यानी ऊंट हांजी हांजी करता है बलवान व्यक्ति से सभी डरते हैं इनमें से कोई नहीं नहीं बलवान व्यक्ति असंभव बात कहे तो भी हां मिलानी पड़ती है कई बार आप देखें यहां कि कुछ इस टाइप का लोग भी अपन आसे पास हुआ है थोड़ा सा पैसा वाला हुआ है और प्रभावशाली हुआ है क्योंकि बाहर कहीं थोड़ी राजनीति में पहुंच बढ़िया हुआ है अब मान चाहे आओ की नहीं पर अपन झूठो ही अंगारा देना पड़ेगा फलान जी है तो ये अब की बार आवंजनिया बोल दिया ऊंट बिलाई ले गई तो हांजी हांजी कहना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक आंख से रोवेर एक आंख से हंसे ले आ विचित्र स्थिति तकड़ी निकल रही एक आंख रोवेर एक आंख <laughs> बताओ तो इसका मतलब होगा धोखेबाज धोखेबाज होता है जो एक आंख से रोवेर एक आंख से हंसे श्याम मित्र के लिए पैन लाया वाक्य में संप्रदान कारक है बताओ श्याम मित्र के लिए पैन लाया इसमें संप्रदान कारक कौन सा है तो ये संप्रदान क्योंकि काम किसके लिए हुआ है मित्र के लिए हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहुल से खाया नहीं जाता मेहुल से खाया नहीं जाता इस वाक्य में कारक कौन सा है तो आपने देखा होगा इसमें कारक है भाई श्रेय आने से क्या होता है ये किस टाइप का उदाहरण है ये देखा जाए तो आप कर्म वाच्य में रखोगे वाच्य में कर्म मौजूद नहीं है तो भाव कर्म मौजूद है सकर्मक का है तो फिर कर्म वाच्य कृष्ण ने राज दरबार में चक्र से कंस को मार दिया कृष्ण ने राज दरबार में चक्र से कंस को मार दिया वाक्य में प्रयुक्त कारक नहीं है वाक्य में प्रयुक्त कारक नहीं है ये क्या अच्छा मतलब इसमें से कौन सा कारक नहीं कृष्ण ने करता राज दरबार में अधिकरण चक्र से साधन तो अधिकरण और करण तो हो गए कंस को तो ये किसमें रहेगा और कर्ता कर्ता भी है अधिकरण भी है संप्रदान नहीं है है ना संप्रदान नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा क्यों संप्रदान कैसे होगा यहाँ पे स... के लिए थोड़ी मारा है कोई दान का वगैरह थोड़ी है संप्रदान नहीं है कर्म कारक होना चाहिए था यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है ये भी बहुत अच्छा है आपको सभी शब्द शुद्ध ढूंढने हैं लेकिन आप इसको कैसे ढूंढोगे तरीका मेरा वाला ही अपनाना है कौन सा अपनाओगे गलत ढूंढो तो देखो सभी शब्द रहा गलती यही निकल के आ गई क्योंकि अतिशय दिन ठीक है यहां ये गलती निकल के आ रही है ठीक है और ये मानवीयकरण और सौजन्यता ये दोनों ही गलत हैं ये रहा। इसमें ती, तीनों चारों सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सभी शुद्ध शब्द किस मुह प्रयुक्त हुए अहोरात्र नवरात्र दिवारात्र अहोरात्र खोटो 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 ध्यान है कि ऐसा शुद्ध हुए अहोरात्र नवरात्र और वार हुए कौन हुए बिल्कुल हुए नेक्स्ट <coughs> है संधि और समास में क्या समानता है दोनों में ही शब्द विकास होता है दोनों में ध्वनिया मिलती है दोनों में ध्वनि विकार अनिवार्य दोनों ही शब्दों को संक्षेप करते हैं यह बात सही है दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं संक्षेप कर देते हैं नेक्स्ट शाखा मृग शब्द में समास कौन सा अवे भाव द्विगु बहुवरी कर्म शाखाओं पर दौड़ता है जो मृग वह कौन सा है वह यानी बंदर के लिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पुनरुत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है पुन, पुनर पु या पुनरु जल्दबाजी नहीं करना उस दिन भी मैंने जल्दबाजी की थी उस चक्कर में गलत बता दिया था बताओ देखें तो इसका हो जाएगा पुनर क्या हो जाएगा पुनर्धन उत्थान ठीक है नेक्स्ट है स्वंग और स्वागत शब्दों में कौन सा उपसर्गो का प्रयोग हो, होता है हाँ तो इसमें सु स्व स्व सु दोनों स्व का दोनों शब्दों में सु का यह भी पहले आ चुका है इसीलिए तो कहता हूं कि आज लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड हैं लेकिन अगले दो पेपर में रिपीटेड नहीं होंगे और उसके बाद तो आपको शानदार शिक्षण विधियों की एक मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास देने जा रहे हैं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कि गुरुजी दिन सात ही बच्चे है दिन सात बच्चे तो सात दिन मेरे लिए बहुत है और हमारे लिए भी बहुत है क्योंकि लाड ले आप चार महीने में पढ़ रहे यहां कोई खाली कौन बैठा जी को सात ही दिन बच्चा है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तो नहीं है पूर्ण तो विराम यह होता है योजक चिन्ह है ठीक है, है? 125, जहां जहां जाता था, वहां वहां मैं भी सौ वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग की अशुद्धि है बताओ तो जहां जहां वह जाता था वहां वहां में भी तो इसमें जहां जहां वहां वहां योजक चिन्ह की अशुद्धि है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा इस वाक्य में प्रथम शब्द में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस प्रकार से प्रथम शब्द यह अवतरण चिन्ह है विवरण चिन्ह है चिन्ह है संक्षेप तो चिन्ह में आता है अवतरण चिन्ह में आता है किस में आता है अवतरण चिन्ह में आता है नेक्स्ट <laughs> है आप देखो कि किस क्रमांक का सही मेल नहीं है एनुअल वार्षिक को कहते हैं बॉन्ड मतलब बंद पत्र होता है और कंप्लेन्स मतलब अनुपालन होता है कैडर वर्ग नहीं होता ठीक है नेक्स्ट किस क्रमांक का सही मेल नहीं है क्या क्या है compensation, compensation, थोड़ी हाँ, ये क्या है? थोड़ी ये रिमबर्समेंट प्रतिपूर्ति मैनिफेस्टो घोषणा पत्र एबोलेशन उन्मूलन ये गलत है क्या गलत है ये गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे इनमें से कौन सा कथन सही है हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का कर्म होता है हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया कर्म होता है संयुक्त वाक्य में केवल दो ही उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य पर क्रिया से आरंभ होता है मिश्र वाक्य में विश्लेषण उपवाक्य जब से आरंभ होता है विश्लेषण विशेषण उपवाक्य विश्लेषण नहीं विशेषण विशेषण उपाक्य हाँ इनमें से सही कथन बताना है आपको भाई बताओ देखें सही कथन तो इसमें बाकी तीन आपके समझ आए ना आए लेकिन ये बात तो आपके समझ आ गई होगी कि, कि वाक्य में उपवाक्य से आरंभ होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैराग्राफ है कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्रपुरुष है हिमालय इसका मस्तक है गौरी शंकर सिखा है और कश्मीर किरीट है पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं विंध्याचल कटी है नर्मदा करघनी है पूर्व और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं कन्याकुमारी इसके चरण है सागर इसके पग पखारता है पावस के काले मेघ इसके कुंतल केश हैं चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं ये वंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है इसका कंकर कंकर शंकर है इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है हम जियेगे तो इसके लिए और मरेंगे तो क्या गजब स्पीच है कहीं मास्टर बन जाओ ना तो छब्बीस जनवरी 15 अगस्त को ये काम आएगी स्क्रीनशॉट ले लेना तो इसमें किरीट जो है उसका अर्थ क्या बताया गया है बताओ देखें तो किट का मतलब आपको पता है मुकुट होता है क्या होता है मुकुट होता है नेक्स्ट है कि प्रत्यय का प्रयोग देखिए तो मेहनत बहुत लगती है क्योंकि प्रश्न चेंज होगा तो पैराग्राफ पीछे छूट जाएगा बार बार आगे पीछे छुट जाएंगे इसीलिए प्रत्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है प्रत्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है तो यहां प्रत्यय है ही नहीं यहां प्रत्यय है ही नहीं यहां प्रत्यय नहीं यह प्रत्यय का प्रयोग इस विकल्प में हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो अभिनंदन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है अ, अब अभि अभिन्न तो इसमें उपसर्ग कौन सा है इसमें उपसर्ग है अभिधन नंदन अभिनंदन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो गौरी शंकर में समास कौन सा है गौरी शंकर में तत्पुरुष अव्य भाव द्वंद या बहुवरी गौरी यानी पार्वती शंकर शिव जी तो कौन सा हो जाएगा द्वंद समास है 135 नंबर आप देखो भारत में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वह विशेषण का रूप बन जाएगा तात्व ये तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा वो क्या उत्तर होगा भारतीय बना दोगे इसको छत्तीस नंबर क्वेश्चन आप देखोगे जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं अब पद्य भाग गया ठीक है पद्य भाग कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं अदरों को ड्योटी पर शब्दों के पहरे हैं हंसने को हंसते हैं जीने को जीते हैं और साधन सुविधों में ज्यादा ही रीते हैं बाहर से हरे भरे भीतर गाव मगर गहरे सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों कभी कह रहा कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं किस मोड़ पर बुढ़ापे पर आ गया क्या अधरों को डोडी पर शब्दों के पहरे हैं और हंसने को हंसते हैं जीने को जीते हैं साधन सुविधाओं में ज्यादा ही रोते हैं बाहर से हरे भरे मगर भीतर घाव मगर गहरे है ना तो कुछ भी नहीं कहा जाता साधन सुविधाओं के अभाव के कारण बंधन और बेबीसी के कारण गुंगा होने के कारण या भीतर के घावों के कारण तो आप ये तो क्लियर है नहीं करोगे अब साधन सुविधाओं के अभाव के कारण ये भी आप नहीं करोगे आप कंफ्यूजन हो जाओगे बी और डी में मैं आपको बता रहा हूं आप कंफ्यूजन कहां हो जाओगे डी और लेकिन इसमें क्या होता है भाई यहां पे ये कहना चाह रहा है कि बंधन और बेबसी के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा है। यहां पे भाव सौंदर्य के प्रश्न होते हैं ये हमेशा नेक्स्ट कि कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात क्या है कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था घावों के हरे भरे होने की गूंगा बहरा होने की साधन सुविधताओं की नहीं कुछ भी कह न पाने की व्यवस्था की समझ गए बात आप नेक्स्ट भीतर के घाव से क्या तात्पर्य घर के भीतर की शांति अंदरूनी चोट शारीरिक क्षति नहीं हृदय की पीड़ा नेक्स्ट प्रस्तुत पद में संचारी भाव कौन सा अब आगे गड़बड़ अब गड़बड़ अब संचारी भाव जो को तैतीस प्रकार का संचारी भाव हुआ है ठीक है ना हर मतलब अपन जितकी भी अपन फीलिंग्स हुआ नी तैतीस प्रकार हुआ है तो इनमें देखो बताओ संसारी भाव देखो अमर्श यानी क्रोध का तो यहां रोल ही नहीं है प्रसन्नता यहां बिल्कुल भी नहीं है हर्ष यानी खुशी इसमें आपको खुशी दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे स्वर भंग यहां पर नहीं है यहां पर क्या है विषाद है दुख है इस। इन पंक्तियों में क्या है विषाद छिपा हुआ है दुख छिपा हुआ है समझ गया आप बात नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि प्रस्तुत कविता में रस कौन सा है अब वही अगर संचारी भाव आपने सही पहचाना है तो ये रौद्र होता है यहां ठीक है तो हास्य रस है क्या हसनर तो काम ही कौन है करुण है भयानक तो बिल्कुल नहीं है रौद्र क्रोध है ही नहीं यहां पे कौन सा रस है करुण रस है कौन सा रस है करुण रस है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति जो है वो किस प्रकार ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है ध्यान रखना विचारों की अभिव्यक्ति अगर आपको करनी है ना तो निबंधात्मक प्रश्नों में होगी किसमें होगी निबंधात्मक प्रश्नों में होगी उसके बाद है कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था बताओ देखें तो वो किया था ब्लूम ने किसने किया था त्रिमुखी बताकर ब्लूम ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन क्या कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने शिक्षण करते हैं या कुछ कह नहीं सकते तो सिंपल सी बात है ये इसका उत्तर होगा ये दो, बाकी उत्तर नहीं होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में बताओ देखें किसमें करना चाहिए तो ये करना चाहिए प्रारंभिक में किसमें करना चाहिए प्रारंभिक में आपको ये पता है ये प्रश्न उच्चारण पहले ही सुधर जाना चाहिए बाद में नहीं सुधरता शिक्षण में जो इकाई का संप्रत इकाई सिद्धांत किसने दिया था तो आपने ये भी उत्तर सही कर दिया होगा मॉरिसन मॉरिसन भाषाई कौशल को लिखित अभिव्यक्त रूप है यह बहुत अच्छा प्रश्न है भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है बताओ देखें कौन सा है सरल प्रश्न है लेकिन गड़बड़ करने के लिए काफी होते हैं जल्दी बताओ बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि लिखित सामग्री को मन ही मन में बिना आवाज की चुपचाप पढ़ना क्या लाता है क्या कहलाता है ये तो सिंपल है मौन वाचन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार के तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज इन पीछे वाले पांच छह प्रश्नों में जो गद्य पाठ है वो दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो इस बात को विशेष ध्यान रखना गद्य दो होते हैं ठीक है और लास्ट प्रश्न आ रहा है आज की क्लास का और वो लास्ट है कि किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं प्रतिमूर्ति चित्र वास्तविक पदार्थ या फिर ग्रामोफोन बताओ देखें क्या कहते हैं तो बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिमूर्ति क्या कहते हैं प्रतिमूर्ति तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो संपन्न होती है और बहुत ही बढ़िया क्लास थी और आपको कैसी लगी वो तो आप लोग ही जानते हैं चोइस पेपर हो गए पेपर यानी आप समझ सकते हैं तीन हजार के करीब क्वेश्चन पहुंचने पहुंच चुके हैं और अगले सात दिन में न जाने आपको और कितना कुछ मैटर मिलेगा वो ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैटर जोरदार मिलेगा जबरदस्त मिलेगा शानदार पेपर्स मिलेंगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बढ़िया ट्रिक्स जो आपको आज बताई है उनको आगे भी पहुंचाने का कष्ट करें बहुत बहुत धन्यवाद टेक केयर और शुभ रात्रि।